फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। होप सो आप सब ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हो जिसमें मैंने शेयर करा था अपनी सी ए जर्नी, जिसको 10 साल लगे थे पूरा होने में। तो मुझे उस वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए, इंस्पायर हुए। और मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि शायद कुछ लोग उस वीडियो को देख के मोटिवेटेड फील करें कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। तो उस वीडियो के अंदर बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, तो उसमें से कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो पर्टिकुलर एक टॉपिक पे थे, जिसका मैं लिख कर नहीं आंसर देना चाहती थी, बिकॉज वो सही नहीं रहता। अगर मेरे से कोई टिप मांग रहा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको अच्छे से गाइड करूँ। तो उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो ये था कि मैम, जब आप बार बार फेल हुए तो आपने क्या चेंजेस करे अपनी पढ़ाई में, आपकी स्ट्रेटजी में, कि आप क्लियर हो गए। तो मैं वही आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। जब मैंने 5 अटेम्प्ट दिए सीए फाइनल ग्रुप 1 में, तो मैंने रियलाइज़ करने का सोचा कि यार मैं क्यों बार बार फेल हो रही हूँ। मतलब मैं इतनी भी डम तो नहीं हूँ कि मैं पेपर पास नहीं कर सकती। तब मैंने सोचा कि मुझे एक बार अपने आप को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 2 चीज़ें जो करी जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं पास हुई, और शायद मैं वो 2 चीज़ें नहीं करती तो मैं पास नहीं होती। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। होप सो आप लोगों को उससे कुछ बेनिफिट हो, शायद आप लोग भी अपना हो तो आप लोगों का क्लियर हो जाए। उसमें से फर्स्ट चीज़ ये थी कि मैंने अपने सारे नोट्स चेंज कर दिए। मतलब मैं जिन नोट्स से पढ़ती थी तो मेरे को यही लगा सबसे पहला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गए हैं और चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी है, मैं उन्हीं को पढ़ के जा रही हूँ और पास नहीं हो पा रही। तो मैंने क्या करा, मेरे फर्स्ट ग्रुप के जितने भी सब्जेक्ट थे मैंने वो नोट्स बाय कर लिए और मैंने उनसे पढ़ना स्टार्ट करा। फर्स्ट चीज़ तो ये थी कि आप प्लीज़ आपके जितने भी पुराने नोट्स हैं ना, आप उनको छोड़ दो, साइड रख दो, उनकी तरफ देखो मत। बस आपको उसमें से जो रेलेवेंट लगता है सिर्फ उसको देखो, अपने आप न्यू नोट्स लो, उनसे पढ़ाई स्टार्ट करो। जब आप नए नोट्स से पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ नई चीज़ें हो। और पुराने नोट्स आप बार बार पढ़ चुके हो, आपको सकता है यार मेरे को तो आता है, मेरे को तो ये आता होगा। अच्छा चलो, अब रही बात दूसरी चीज़ की। दूसरी चीज़ मैंने ना ये सोची कि यार मैंने जो पेपर दिए उसमें मेरे मार्क्स कई बार पासिंग के आसपास आते थे, तो मैं पेपर में लैग क्या कर रही हूँ। तो मैंने क्या करा, अपने पास्ट अटेम्प्ट के पेपर उठाए, फिर मैंने हर एक सब्जेक्ट को एक बार ना देखना स्टार्ट करा कि अच्छा क्या क्वेश्चन आया था, क्या वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ था, क्या वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था। तो फिर मैंने एक एक क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करा, और आप मानोगे मैंने रियलाइज़ करा पेपर बहुत सिंपल थे। कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर थी कि मैं सीए एग्ज़ाम्स को बहुत ज़्यादा टफ समझती थी, मुझे लगता था यार ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता। जब मैंने क्वेश्चन देखे ना, मुझे रियलाइज़ हुआ अगर मैं थोड़ी सी मेहनत अच्छे से कर लेती तो मैं कब की पास हो चुकी होती। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ पास्ट ईयर्स के पेपर ज़रूर करो, बिकॉज वो आपको ना एक तरीका बताते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, आपको क्या लिखना चाहिए, क्या आपका एग्ज़ामिनर आपसे चाहता है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ना एक तो पास्ट ईयर्स के पेपर्स प्लीज़ ज़रूर सॉल्व करके जाओ। अगर आपके पास लास्ट एक मंथ है रिविज़न के लिए तो आप उसके अंदर अपने पास्ट ईयर्स के पेपर सॉल्व करो, आप RTP सॉल्व करो एटलीस्ट 2 अटैम्प्ट पीछे की, और आप MTP करो। क्योंकि आप कभी ऑब्जर्व करना कि हर पेपर के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर ऐसे होते हैं जो या तो आपके पास्ट पेपर में से है, आपकी RT में से है, RTP में से है, या आपकी MTP में से है। तो जब वो क्वेश्चन आप देखते हो ना अपने एग्ज़ाम्स के अंदर, आपको इतना मोटिवेशन मिलता है, आपको लगता है यार ये तो मेरे देखे हुए क्वेश्चन है, मैं इसमें तो गलत कर ही नहीं सकता। और वो जो आपका मोटिवेशन होता है ना, वो आपका बाकी पूरा पेपर आपसे अच्छा करवाता है। और एक और बात आप ध्यान रखना, आपको लग रहा होगा मैंने 2 बातें बोली थी, बट याद आती रहती है चीज़ें। एक बात ये कि कोशिश करो पेपर पूरा अटेम्प्ट करने की, नहीं भी आता तो भी आप सोचने की कोशिश करो कि आप उस सिचुएशन को एनालाइज करो कि यार मैं कुछ लिख सकूँ जो रेलेवेंट हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें पूरा नहीं आता लेकिन थोड़े से लिखने के भी नंबर मिल जाते, और आप जैसे जानते होंगे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो कहीं आधा नंबर, कहीं एक नंबर, यही नंबर हमारे को मिलके पास कराने की कोशिश बहुत करते हैं। तो प्लीज़
चेंज योर नोट्स, आप आरटीपी एमटीपी और पास्ट पेपर ज़रूर करके जाओ। अगर आप एक बार, मतलब मेरे कहने पे प्लीज़ मैं आपको बोलूँ, एक बार ये ना स्ट्रैटेजी अपना के देखो। मुझे इसी से रिजल्ट मिला बिकॉज मैंने बहुत कोशिश करी मैं पास हो जाऊँ। यू नो सेकेंड ग्रुप में भी क्या हुआ, जब मैंने किसी और टीचर से पढ़ाई करी तो मैं फेल हो गई। फिर मैंने यही सेम अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई कि यार मेरे को लग रहा है फिर कुछ ऐसे गड़बड़ हो रही है। फिर मैंने अपनी आईडीटी की क्लास दोबारा ली, मैंने डीटी की क्लास दोबारा ली, मैंने कॉस्टिंग की क्लास दोबारा ली और मैंने उन नए नोट से पढ़ाई करी। और सेम मैंने क्या करा, आरटीपी करी, एमटीपी करी और पास्ट ईयर्स के पेपर करे। और मेरे पास रिजल्ट क्या आया, पास हो गई मैं। मेरे नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए। अगर आप ये सोच रहे होंगे ना कि इन सब से मेरे नंबर करीबन 250-300 आ गए हो, मेरे नंबर सिर्फ वही 202-204 इसके आसपास ही आए। बट यू नो सीए के अंदर नंबर मैटर बिल्कुल नहीं करते हैं, पास होना अपने आप में मैटर करता है। यू नो सीए इज़ अ डिग्री जो आपको यू नो इतनी अच्छी चीज़ फील कराती है जब आप क्लियर करते हो कि यार मैं आज कुछ बन गया, मैंने अपने नेम के आगे कुछ दो लेटर लगाए, और वो बहुत अच्छा फील करवाती है आपको। तो बाकी आपको और भी किसी चीज़ में लगे कि आपको डाउट्स है या आप मेरे से कुछ यू नो पूछना चाहते हो, कुछ मेरा एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो मैं आप लोगों के लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। आप मुझे मैसेजेस करिए एंड प्लीज़ ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को लाइक्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। प्लीज़ हार मत मानना। जिस दिन आपने होप छोड़ दी ना कि यार नहीं हो रहा मेरे से, उस दिन नहीं होगा, तो हार मत मारो। यू नो बहुत बार ऐसा होगा कि आपने शेड्यूल बनाया, आपने पढ़ने की कोशिश करी, दो दिन आप पढ़े, तीसरे दिन नहीं पढ़ा। अरे नहीं पढ़ा गया तो नहीं पढ़ा गया, लीव इट, अगले दिन पढ़ाई करो। पता है हम आज से ज़्यादा परेशान क्यों होते हैं कि हमने सोचा यार मैंने तो शेड्यूल बनाया हुआ था पढ़ने का, लेकिन मेरा वो शेड्यूल पूरा नहीं हुआ। तो हम उस चक्कर में ना जो अगला दिन होता है वो भी बर्बाद कर देते हैं। तो अगर कभी ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आप पढ़ाई करना चाह रहे हो, पढ़ाई नहीं हो रही, प्लीज़ उस टाइम पे पढ़ाई को थोड़ा साइड में रख दो, जो आपको अच्छा लगे वो करो और कुछ टाइम बाद उस पर दोबारा जाओ। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो चीज़ें आपसे फिर से पढ़ाई आपसे हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी एडवाइस को फॉलो करना, और अगर आप में से कोई भी मेरी एडवाइस को फॉलो करके कुछ यू नो पास होता है या कुछ उसको बेनिफिट होता है, प्लीज़ मुझसे शेयर करना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, आपने अपनाया और आपको उससे बेनिफिट हो गया। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।